अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक 2020। सो दोस्तों, आज के मैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग ही न्यूज़ पर, जो क्या बहुत कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। सो गाइस, आज मेरे को पता चला है कि यार टिकटॉक बैन हो चुका है, और आज पीटीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि टिकटॉक जो है पाकिस्तान में बैन हो चुका है। अब जो है ये परमानेंटली बैन हुआ है या थोड़े दिनों के लिए हुआ है, ये किसी को पता नहीं है। तो पता नहीं है बाद में टिकटॉक खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, मगर ये जो न्यूज़ है ये 100% प्रूफ के साथ है, क्योंकि पहले जो चल रहा था कि टिकटॉक बैन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जैसे कि इंडिया में जो टिकटॉक है बैन हो चुका है, अभी पाकिस्तान में भी हो चुका है। मैं आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन पर शो ही होगी कि पीटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया कि टिकटॉक बैन हो चुका है। सो दोस्तों, टिकटॉक बैन हुआ है, इसका प्रूफ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि टिकटॉक बैन हुआ है आपको इसका अगर प्रूफ। सर, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले अगर आपके मोबाइल में टिकटॉक ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। एंड यहाँ पर देखें, मैं इसको क्लिक करता हूँ, वाईफाई ऑन है, देखें वाईफाई ऑन है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से आ रहा है, अब यहाँ पर कुछ चलेगा नहीं। देखें फॉलोइंग में जाएँ, फॉर यू पर जाएँ, तो ये कुछ भी आगे रन नहीं करेगा। एड्स जो है वो अगर आ गई तो सही, क्योंकि एड्स के लिए सेपरेट सर्वर होता है जो कि उसको बैन नहीं किया जाता, बस ये टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। तो सही, यहाँ पर आप ये टिकटॉक ऐप जो है नहीं चलता दिया। अगर बात की जाए मेरी, क्या अगर टिकटॉक बैन हुआ है सही या गलत है, तो यार मेरे हिसाब से तो सही हुआ है कि इसको बैन किया गया, और बस पबजी को बैन ना करें क्योंकि इसको बगैर तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। और एक सवाल आपके लिए भी है मेरी तरफ से कि टिकटॉक ऐप जो बैन हुई है वो सही हुआ है या गलत फैसला है, तो आप कमेंट में। सेकेंड तरीका ये कि अगर आप टिकटॉक को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो वीपीएन के ज़रिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये ज़्यादातर लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी है, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। तो जो लोग टिकटॉक पर ज़्यादा काम किया करते थे, यानी टिकटॉक से ही ज़्यादातर लोग पॉपुलर होकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा पॉपुलर हुए, और ये जो ऐप है टिकटॉक नाम की, उस पर ज़्यादातर लोगों ने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है, टाइम लगाया है इस पर, बहुत मेहनत की है। सर, अभी जो बैंड हो चुका है तो अब इसका कोई पता नहीं, कोई नहीं बता सकता कि बैंड कब ख़त्म होगा, कब टिकटॉक हम चला सकेंगे, कब आप वीडियोस बना सकेंगे। तो गाइस, अगर एक तरफ से देखा जाए कि बहुत लोगों का मानना है कि टिकटॉक जो ऐप है सोशल मीडिया, इसकी वजह से बहुत बच्चे जो है बिगाड़े, और एक साइड से देखा जाए कि टिकटॉक जो ऐप है वहाँ पर आप अगर कोई आप इस वजह से अगर किसी का बच्चा बिगड़ रहा है या जो भी हो रहा है, उससे आप अपने बच्चे को रोकेंगे ना कि वो ऐप को बैन करेंगे। तो एक साइड से देखा जाए तो एक गलत बात भी है टिकटॉक को बैन करना, और एक साइड से देखा जाए तो सही भी है कि इसको बैन किया। और इसकी वजह क्या है, बैन करने की वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले केसेस में, जैसे कि अगर पबजी बैन की गई है इंडिया में, पबजी और टिकटॉक दोनों बैन कर दिया गया है, और इसकी वजह ये है कि जो लोग हैं, बच्चे जो है, जो भी आवाम है, वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया को इतना अपने दिमाग पर चढ़ा लेती है कि वो अपने दिमाग पर असर कर लेती है। तो जिस वजह से पबजी में भी जो बहुत सारे हादसे हुए थे, जिसकी वजह से कोई अपनी जान ले लेता था, कोई माँ बाप की जान ले लेता था, तो ऐसे ही टिकटॉक में भी बहुत से हादसे हुए हैं, और इसकी वजह से लोग वीडियो बनाते बनाते बहुत से हादसे हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और लोग इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा लेते हैं चीज़ों को कि वो फिर अपने आप को भूल जाते हैं। टिकटॉक की जो इंटरनेशनल जो ऐप है वो इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए और भी जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इंटरनेशनल इसकी ऐप्स है, जो कि अभी इंडिया में भी बैन हो चुका है, पाकिस्तान में भी बैन हो चुका है, यूएसए में भी बातें चल रही है कि ये बैन होगा या नहीं होगा। जैसे कि पहले पाकिस्तान में हो रहा था, तो पाकिस्तान में तो फाइनली बैन लग चुका है, अब यूएसए में भी लग सकता है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में टिकटॉक का क्या होता है, ये ऐप रहती भी है या नहीं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे को पसीना बहुत आ रहा है, यार गर्मी बहुत है, और पंखा बंद करके वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि फिर पीछे शोर बहुत आता है। गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।